जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के कमल चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि हम एक डेढ़ महीना पहले आए थे आपके पास और आके आपसे गुरु दक्षिणा लेके गए थे। और उस टाइम जब आए ना तब ये निर्णय करके आए थे कि अब हम अपने पति को छोड़ देंगे, आप इनके साथ नहीं रहेंगे। इतना कष्ट काटते का 36 बरिस मेरे शादी के हो गया और 36 बरिस में कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैं कष्ट का सामना नहीं की हूँ। तो जब आपके पास आए तो पहला दिन भी यहाँ मेरा झगड़ा हुआ, दूसरा दिन भी झगड़ा हुआ और तीसरा दिन ऐसा मेरा पति मुझको प्यार करने लगे कि लगा कि अब आपका भगवान के तरह अचानक कृपा इनके पर हो गया। और होने के बाद इनका माइंड ऐसा चेंज हुआ कि हम आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब हम बोले फिर कि गुरु पूर्णिमा आ रहा है, चलिए हमको गुरु जी को दर्शन करा दीजिए, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, तो ये एक बार भी संकोच नहीं किए। आप बोले चलो अगर हम तुमको दर्शन नहीं कराते हैं तो तुम सारा जिंदगी यही बात बोलोगी कि हम तुमको दर्शन नहीं कराए। तो इस बार मेरा पति को पूरा सहयोग है आपके पास मुझको लाने के लिए और दर्शन कराने के लिए। चलिए आपके पति बदल गए कथा से, देखो ये परिवर्तन है। और गुरु जी और मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरा पति, मेरा मन है कि मेरा जिंदगी आप कलकत्ता जो कहे, आखिर 12 साल में उनका ये हो गया भगवान का नाम जपते जपते उसका जमराज आए फिर छोड़ के चले गए। और फिर उनको एक बार और जीवन दान मिला तो वो जा करके तपस्या किए तो भगवान साक्षात उनको। बाकी के जिंदगी मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ, संघर्ष करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब मेरा पति मेरे लिए यहाँ पर घर खोज रहे हैं यहाँ रखने के लिए, इतना तक हमको मानने लगे, इतना तक हमको प्यार करने लगे। मैं जिस टाइम आपके पास नहीं आती हूँ तो वो बोलते हैं कि आई हो गुरु जी के साथ मिलने के लिए और घर में तुम पड़ी हो, तुम चलो गुरु जी के पास चलो, ऐसा करते हैं। मेरा पति अब बहुत प्यार करने लगे हैं। कहाँ है आपके पति? इतना आप प्यार करते हैं कि मैं इधर आई है। चलिए अच्छा है। हम आपका जीवन खुशमय हो गया, आपके जीवन में खुशियां वापस आ गई 36 साल के बाद। और उस खुशियों का की कारण कथा बनी है, देखो ये कथा का ही प्रभाव है कि जीवन में खुशियां वापस आ रही है। में मेरा पैर रखते ही मेरा ऐसा चमत्कार हुआ गुरु जी की, मैं बात कराई इनसे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताइए बताइए। नहीं सब कुछ ठीक है, सब आनंद है, सब आनंद। कथा अच्छी लगी आपको? जरूर। खुश रहिए, सुनते रहिएगा। सुनते रहेंगे और आते रहते हैं, ये नहीं आती है, सो जाती है एसी में। चलो और हम आके सुन के चले जाते हैं। बिल्कुल। और पिछला बार हम कुछ क्वेश्चन कर दिए थे गलती। नहीं नहीं अच्छा है। नहीं नहीं हमको उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या क्वेश्चन किया था आपने? गुरु जी उस टाइम बहुत नशा करते थे, बहुत नशा। बात कराओ इनसे, बात कराओ। क्या प्रश्न किया था आपने? नहीं नहीं ठीक है, जो किया वो थोड़ा हमसे गलती हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमको क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, हमें तो याद ही नहीं रहता। आप गलती ना मानिए अपनी, जो आपने किया होगा अच्छा किया होगा। नहीं कुछ गलत नहीं बोले थे, लेकिन मतलब भगवान को मतलब ये बोले थे और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, भगवान आपको देखो, भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे दी, ये अच्छी बात है। हेलो, खुश रहिए। और गुरु जी मेरा दो लड़के हैं और मेरा लड़का दोनों ही मेरा बात नहीं मानते हैं। मानेंगे, पति मानने लगे हैं बच्चों को। मानते नहीं, हम कहेंगे बाबू ये काम करो तो बोलते हैं, ये बड़ा लड़का बोलता है तुम बेईमान हो, तुम मेरा शादी नहीं कराती हो, तुम मेरा शादी करा दो, तुम इधर घूमती हो, तुम उधर घूमती हो। तो शादी कराओ बच्चों की। बच्चों को शादी लग नहीं रहा है, इसी बात करने के लिए हम आए हैं। लगेगी लगेगी, भगवान ने इतना बना दिया आपका और बना। और नारायण जी कोई भी चीज को हमको कमी नहीं दी। खुश रहिए, बस करो अब,